विकल्प हो ना हो लेकिन उनको हटाना चाहिए, विकल्प अपने आप आ जाएगा। लोकतंत्र में पहले विकल्प हो या ना हो इसका कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही विकल्प है, जनता की मर्जी से ये होना चाहिए। हमने बहुत सालों तक प्रतिभाओं की राजनीति की है और इसीलिए हम अपने आप को ये कहते हैं कि भाई जब तक विकल्प नहीं आता तब तक ये कितना भी बुरा हो उसे हटाना नहीं चाहिए। विकल्प मिल ही जाए पर वर्तमान सरकार जानी चाहिए, ये महत्व। नीतीश कुमार एक विकल्प के किसी एक एक विचारधारा के साथ चलता हो वो विकल्प हो सकता है। मेरे नज़र में सामान्य से सामान्य नागरिक भी विकल्प बन के उभर सकता है, ऐसा लोकतंत्र हमारा होना चाहिए। इसलिए मैं ये कतई नहीं चाहता कि सिर्फ नीतीश कुमार या ममता दीदी या राहुल विकल्प हो, हमारे पास कई विकल्प हैं और उनको हमने ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि सही राज्य जनता का आना जरूरी, व्यक्ति का नहीं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, क्या लगता है 2024 में कांग्रेस एक नए जोश नए जोश के साथ सामने आएगी? ये कांग्रेस के ऊपर आधारित रहेगा कि राहुल जो एक सद्भावना पैदा कर रहे हैं जनता में उसको वो चुनावी ताकत में कैसे बदलती है। वो पक्ष राहुल ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनावी राजनीति नहीं कर रहे और वो एक बहुत बड़ा अच्छा काम है, लेकिन कांग्रेस पक्ष ने ये ज़रूर है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस यात्रा के बाद इस यात्रा का जो फल है वो कैसे उसका मज़ा उठा सकेगी, ये कांग्रेस पक्ष की बात है। राहुल ने जो करना है वो कर रहे हैं और उसका जो नतीजा है वो उसको मिल रहा है, उसका अंजाम उसको मिल रहा है, उसका लोगों के दिलों में जो एक तड़प है वो तड़प के साथ वो लोग राहुल के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो एक सद्भावना बन रही है इस यात्रा से उसका जो चुनावी पक्ष है कांग्रेस का वो कैसे फ़ायदा उठाती है वो कांग्रेस ने सोचना बहुत जरूरी है। गांधी के भारत और वर्तमान भारत में क्या अंतर? कोई साम्य ही नहीं, गांधी के भारत और वर्तमान भारत में अंतर नहीं, कोई साम्य ही नहीं। इसलिए अंतर तो कोई चीज़ में अगर साम्य हो तो अंतर हो सकता है। आज का जो भारत है अगर बापू वापस आ जाए तो वो शायद पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, लोकतंत्र में सही राजनीति तो जनता के बीच होती है और इसलिए ज़रूरी है कि जो क्योंकि 2024 में विचारों की टक्कर होने वाली है और उस विचारों की टक्कर में विचारों को हमने राजनीतिक दलों से परे ले जाके ये लड़ाई लड़नी होगी और जनता में भी ये एहसास दिलाना होगा कि भाई ये चुनाव चिन्हों की लड़ाई नहीं है, ये आदर्शों की लड़ाई है, ये नीति की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। और इसीलिए आज़ाद भारत में लोकतंत्र भारत में 2024 का मायना बहुत अलग होता जा रहा है। आज जिस नगर पर हिंदुस्तान चल पड़ा है अगर उसे रोकना है और उसे उसके सही रास्ते पर वापस लाना है तो 2024 एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई होने जा रही है। गांधी की परिकल्पना का गांव अगर यहाँ बना के दिखाते हैं तो वो संभव हो सकता है। सर जी, मैं आपके स्पीच को सुन रहा था, एक आपने कहा कि नीतीश कुमार को उनके यादाश्त हो जाते हैं, कुछ वाकया है क्या जो नीतीश अपने यादाश्त होते नहीं? उन्होंने मुझे 2018 में जब चंपारण के सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे थे तो मैंने उनसे विनती की थी कि भाई चंपारण के नाम के साथ सत्याग्रह का नाम जोड़ देता, क्योंकि चंपारण भारत में सत्याग्रह की जन्मभूमि है और सत्याग्रह को और चंपारण को साथ करके उसको अमर करना बहुत ज़रूरी है। तो नीतीश जी ने मुझे ये वचन दिया था कि हम फौरन इसको अमल करेंगे और उन्होंने तब के जो प्रधान चीफ सेक्रेटरी थे उनसे ये कहा भी था कि भाई आप इसकी तैयारी करवाइए, पर शायद बाद में वो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो। तो अब जब वापस वो मुख्यमंत्री है तो मैं चाहता हूँ कि आप और शकील भाई के माध्यम से उनकी याददाश्त कटोल के ये वादा याद दिलाएं। थैंक यू।